बता दिया क्या उसे? हिरण हिरण बना दूंगा एकदम। बात नहीं कर रहे हैं, खोद के गाड़ दूंगा यहीं पे, दिमाग ठंडा हो जाएगा, कई पुस्त सुधर जाएगी, घर खोदवा दूंगा धक्के। जरा इन जनता के रखवाले की जबान देखिए, ग्रामीणों को ऐसे धमकी दे रहे हैं मानो कोई गैंगस्टर हो। कह रहे हैं ज्यादा नौटंकी करोगे तो खोद कर जमीन में गाड़ दूंगा। जी हाँ, ये धमकी देने वाले कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ नगर के DSP सुजीत कुमार हैं। एक महिला ने शिकायत की थी कि विवादित जमीन पर कुछ ग्रामीण नवरात्रि के मौके पर मूर्ति रखना चाह रहे हैं, और महिला की शिकायत पर DSP साहब पहुंचे थे और इसी दौरान ग्रामीणों पर अधिकारी ऐसा बरसे मानो कोई अपराधी को चिल्ला रहे हैं। 10-5 लाख से पाबंद करो, सफाई कर दो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। इतना बता दिया क्या उसे? हिरण हिरण बना दूंगा एकदम। बात नहीं कर रहे हैं, खोद के गाड़ दूंगा यहीं पे, दिमाग ठंडा हो जाएगा। हद से बाहर नहीं, जितना बता दिया गया अधिकारी का, जितना आदेश, आप आराम से करिए। इसके बाद जिसका दिमाग खराब होगा उसका दिमाग ठंडा करने के लिए बुद्धि है, कई पुस्त सुधर जाएगी। ऑफर कर दो, मुनाफा हो गई आपके, का ध्यान रखिए, सब ठीक हो जाएगा। 5 लाख रुपए तुम्हारी ऑनलोड करिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा। कल जैसे होता है वैसे बाइक भी काट दीजिए, घर खुदवा दूंगा धक्के। दरअसल सिद्धार्थ नगर पथरा थाना क्षेत्र के तिगुड़वा चौराहे का ये पूरा मामला है, जहां गांव वाले विवादित स्थल पर दुर्गा मूर्ति की स्थापना की कोशिश कर रहे थे, जिसका एक महिला विरोध कर रही थी। तिगुड़वा चौराहे पर पिछले 3 दशक से दुर्गा मूर्ति स्थापित कर पूजा की जाती थी। इस दौरान कई बार स्थापना स्थल बदलते रहे। पिछले कई सालों से जिस जगह पर प्रतिमा स्थापित होती थी वो स्थान बीते साल विवादित हो गया था। गांव की एक महिला ने उसे अपनी भूमि बताते हुए वहां प्रतिमा की स्थापना न करने की मांग की। तब प्रशासन ने जद्दोजहद करते हुए दूसरे स्थान पर प्रतिमा पंडाल बनवाया। यहां पर अब भी पिछले साल की बांस बल्ली लगी। इस बीच उपजिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर अंतिम फैसला होने तक उस जगह के बगल में प्रतिमा स्थापित के निर्देश दिए। वहीं इसी दौरान ग्रामीणों को समझाने पहुंचे DSP साहब का किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें वो ग्रामीणों को धमकाते नजर आ रहे।